सतना में आए दिन छात्र संगठन अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी कन्या महाविद्यालय की छात्राएं सड़क पर उतर रही हैं, तो कभी डिग्री कॉलेज की छात्र छात्राएं। आज कोलगवां थाना क्षेत्र के गहरा नाला के पास स्थित डिग्री कॉलेज में एबीवीपी के बैनर तले छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी करने की कोशिश भी की। मौके पर मौजूद पुलिस के साथ इन छात्र छात्राओं की जमकर झूमाझटकी भी हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। गनीमत यह रही कि इस घटनाक्रम के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। छात्राओं का आरोप है कि लगातार कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को कॉलेज प्रबंधन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन उनका कोई हल नहीं निकल रहा है। आज यहाँ कॉलेज प्रशासन में विद्यार्थी परिषद द्वारा एक उग्र आंदोलन किया गया। पहले भी अवगत कराया गया था कॉलेज के प्रिंसिपल को कि जो यहाँ पास लोकल प्रोग्रामर अपने कॉलेज में नहीं है, सारे छात्र छात्रा अगर कोई भी समस्या लेकर कॉलेज को मिल जाते हैं तो ही उनकी समस्या नहीं सुनता, उनकी समस्याओं को लेकर एसीएस रीवा भेजा जाता है। हमारी छात्र बहने सब परेशान होती है। वहाँ भी अगर लोकल प्रोग्रामर के पास जाते हैं हमारे छात्र छात्रा, तो उनकी समस्याओं को सुना नहीं जाता और वहाँ से भगा दिया जाता है। तो हम अपने कॉलेज प्रशासन से यही मांग करने आए थे कि हमारे कॉलेज में एक लोकल प्रोग्रामर लाया जाए, और जो भी एक्स्ट्रा हर फॉर्म में एक्स्ट्रा 20 रुपये लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है कॉलेज प्रशासन के द्वारा? कौन छात्र इतना, अगर इतना ही सब छात्रों के पास सम्पन्नता होती तो डिग्री कॉलेज बस एक कॉलेज नहीं है जहाँ वो पढ़ते। 20 रुपये बंद करना चाहिए कॉलेज प्रशासन से, हमारी यही मांग है। और बहुत सारी समस्याओं को रोका था और अपने कॉलेज प्रिंसिपल को अवगत कराया।